तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये शरारत ठीक नहीं है। अरे अरे अरे, ये थोड़ी ना बोलना है आपको। आपको बोलना अच्छा? है तेरे बाहों के झूले में साजना सुमन खो जाए। मेरा तो अरमान है कि शशि को डोली में बिठा कर विदा कर दूं, फिर अपनी शादी करूं। इसमें सोचने की क्या बात है? अरे शशि भी तो यही चाहती है। लेकिन सुमन चाहती है कि पहले तू शादी करे। अरे यार पहले तू शादी कर। देखो सुमन, ऐसे मायूस होने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आलोक तुम्हारा हस्बैंड है, शशि का भाई है, तो मेरा भी जिगरी दोस्त है। और तुम्हें मालूम है ना, हम दोनों दो जिसमें एक जान है। आज आलोक ने साथ देने से मना कर दिया, लेकिन तुम साथ देने से इनकार मत करो। मैं क्या करूं भैया, मेरे बदनसीबी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझसे शादी करके जेल में बैठ गए हैं। क्यों, मेरा क्या कसूर है? इसी क्यों और क्या का रहस्य वो अपने सीने में छिपाए बैठा है। इसमें बहुत बड़ा कुछ गहरा राज है, जो भैया के जीवन से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन मेरे लिए आलोक का जीवन ही सबसे ज्यादा कीमती है। और मेरे ख्याल से भैया का आपसे ज्यादा गहरा दोस्त कोई और है भी नहीं। नहीं, कोई और दोस्त?